अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं फैसल रहमान और आज का प्रोग्राम मैं होस्ट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं थे, लेकिन होप तो यही कर रहे थे कि आज पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज के मैच में 5 विकेट से शिकस्त दी और इस तरीके से अब वो क्वालिफाई कर लिया उसने और फाइनल अब 6 मार्च को भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा। आज के मैच में बहुत टाइट बॉलिंग की बांग्लादेश ने, शुरू में दबा के रखा, पहले 10 ओवर्स में 29-30 रन बन सके, विकेटें भी ज्यादा निकली, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जब सबका ख्याल था कि 120-125 रन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो मैच में जान है। कोशिश की, शुरू में कुछ लूज ओवर्स चले, लेकिन इसके बावजूद जो एंड के आखिरी तकरीबन 3 से 4 ओवर थे बड़े क्लाइमेक्स के थे, लेकिन इवेंचुअली सिंस बांग्लादेश टुक द प्रेशर, दे प्लेड वेल एंड दे वन द मैच एंड वी एंडेड अप लूजिंग इट। अब दूसरी चीज जो बात हम करेंगे अपने पैनल से, एज वी ऑल नो कि पैनल हमारा कौन सा है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करा दें जी। मेरे दाएं जानेब बैठे हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, व्हाट अ ग्रेट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम्स, इवन नाउ भी हम उनकी बातें सुन रहे थे तो जबरदस्त सुनने को मिला था। अजय जडेजा साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर, सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम एंड वी आल्सो हैव विद अस मेरे बाएं जानेब, तशरीफ रखते हैं जनाब पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स वी हैव हैड राशिद लतीफ, थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच सर। और उनके साथ में नन अदर देन द ग्रेट लेजेंडरी स्पिनर of all times, I would say, Sakhlan Mushtaq. Sir, thank you very much. बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो सर आज के मैच का थोड़ा सा मेरे ख्याल में तो अफसोस बनता है कि मैच आया गया काफी हद तक आ गया और फिर निकल गया। हम जो बात कर रहे थे सर 129, was that enough for us? नहीं, क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें पहले दिन से, शुरू के मैचेस जो इन विकेट्स पे हो रहे थे, जो कंडीशंस थी, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 120-130 पे भी एक आध मैच कोई टीम जीत पाई है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस किया है विकेट्स बैटिंग के लिए बेहतर हो गई हैं और ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप आज का ही मैच देख लें जी। आपकी टीम ने 20 ओवर खेले हैं, आखिरी 10 ओवर में जब आपने 100 रन बनाए हैं तो कंडीशंस बेटर होंगी बैटिंग के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंडीशन नहीं और आपने कर दिया और दूसरी टीम नहीं कर पाएगी, तो रन कम थे। आपके ख्याल में कितना बनता था कि तकरीबन हम 20-25 रन शॉर्ट थे? देखिए ये हाइंडसाइट है, क्योंकि वो जो कितने रन बनते हैं, कंसीडरिंग द बॉलिंग अटैक कुछ पाकिस्तान का जो है तगड़े हैं, 4 सीमर के साथ खेले आज, वो तो मैच के पहले की बात हो गई ना कि किसी का कोई कितना बड़ा प्लेयर है क्या नहीं है। आपका जो स्टार्ट हुआ, अगर आप 4 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, तो उसके बाद फिर स्कोर नहीं होता। माने कि अगर आपके ओपनर ही खेल रहे होते, खुर्रम खान खेल रहे होते लेफ्ट हैंडर, जैसे उन्होंने एक छक्का मारा, उनका बैट लगता रहता। सॉरी माफी चाहता हूँ, शर्जील ने 6 नहीं मारा, नहीं माफी चाहता हूँ, उस पे बात करेंगे। शर्जील जो लेफ्टी, मैंने कहा उन्होंने एक छक्का भी मारा है, तो अगर वो खेलते तो स्कोर 180-190-100 भी हो सकता है। अगर आपके जो डिफेंसिव प्लेयर है वो खेलेंगे तो अलग स्कोर होगा। देखिये हर एक की एबिलिटी है और आप इतने सालों से इनको देख रहे हैं, सबका पता है कि कौन कैसे खेलता है, तो वो तो वैसे ही खेलेंगे। अब वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उस पर रन बनते हैं, सिर्फ आप बॉलर्स देख के ऑपोजिशन के रन बनाना कितने होंगे। तो मैं मानता हूँ रन्स कम थे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप 20-25 भी कह सकते हैं, कोई उसको 6 रन भी कम मान सकता है, क्योंकि 6 रन और होते थे तो भी आप जीत सकते थे। तो ये हाइंड साइड पर है सब, ये आप अच्छा नहीं खेले आज, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो आज खेले हैं वो कोई पिछले मैचों से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि आज हार गए तो आज उस पे हमें ऐसा लग रहा है कि कम रह गए, बट यही कंसिस्टेंसी रही है पाकिस्तान टीम की इस टूर्नामेंट। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है राशि, ये बताइए कि एक तो सवाल भी वही करूंगा कि 129 क्या पूरा एक स्कोर था, कंसिडरिंग के शुरू के हालात क्या थे, उसमें तो लग रहा था 129-30 कर जाएंगे तो शायद मैच को फंसा लेंगे और फंसा भी लिया काफी हद तक। बताइए, देखिए हम लोग शुरू के 10 ओवर में मैच हार चुके थे, ठीक है 29 थे हमारे 9 या 10 ओवर में, लास्ट 10 ओवर में हमने 100 रन किए हैं 11 या 10 ओवर में, तो एक टीम, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक तरह से। इससे पहले 32 रन थे वेस्ट इंडीज के 10 ओवर में, अब पाकिस्तान ने किए 29 या 30 रन किए हैं, तो मेरे ख्याल से कि लास्ट 10 ओवर में अगर हम 100 कर रहे हैं या 11 ओवर में 100 कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसका मतलब है पिच सही हो गई है, बेहतर हो गई है, और उसके बाद उन्होंने वैसी बैटिंग की, और क्योंकि हमें इनिशियल स्टेज पे देखें विकेट नहीं मिली, हम आखिरी 3-4 ओवर पर ना जाएं कि 3 ओवर में 26 रन चाहिए थे, एक तरह से अच्छे रन से लेकिन रन बने, आमिर की ने आउट भी किया, 2 चौके भी लगे, फिर शमी के 2 नो बॉल, नो बॉल तो क्राइम है, इसमें तो कोई माफी है ही नहीं ना, एक पे विकेट आपने जाया कि 2 नो बॉल करते हैं, लेकिन मैं शमी के ओवर से हटके मैं जाता हूँ कि शमी की नौबत क्यों आई यहाँ पे ओवर कराने की, शमी ने 3 अच्छे ओवर किए, 15 रन दिए, 15 इससे पहले ये देखे कि अगर शोएब मलिक ने एक ओवर किया, 1 रन 3 रन दिए, विकेट भी एक निकाला, तो नेक्स्ट ओवर उसके बाद बनता था शोएब मलिक का बनता, इसका मतलब 1 ओवर माइनस ओवर हो गया, अनवर अली का हो गया, मोहम्मद आमिर से 1 ओवर और आगे चला जाता, 2 ओवर मोहम्मद आमिर के अगर होते
18वां और 20वां ओवर, क्यों मेन बॉलर से आप जाएंगे? आखिरी चार ओवर में आपके आपको चार डिफरेंट बॉलर खिलाने इस वक्त जितने तेज बॉलर हो जाए, चाहे समी हो, चाहे इरफान हो, वहाब रियाज खेले नहीं, लेकिन हमारा मेन बॉलर वो आमिर ही है। शुरू के दो ओवर वो डालेगा तो लास्ट टू ओवर उसके ही बनते हैं। बीच में जो सिचुएशन बन रही थी वहां पे विकेट उसने ली भी निकाली भी, वो बनता था नहीं? नहीं बनता था, बिल्कुल बनता था, लेकिन फिर आखिरी फिर येलो ओवर नहीं बनता था उसका। मैं मेरी अपनी नजर में भी मैं गलत हूँ, लेकिन हम चले गए आमिर को लास्ट ओवर करा दिया, अब दो ओवर रह गए, एक समी का रह गया और एक लूज ओवर, एक लूज ओवर रह गया। तो लूज ओवर क्यों रह गया? इसका मतलब है कि कप्तानी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, क्योंकि शायद अपने चार ओवर निकाल के चला गया। उसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास वीक लिंक मैं देखूंगा, मैं एज ए कैप्टन वीक लिंक देखूंगा, मेरा बॉलर बीच में 12-13 ओवर में कहां फंसेगा। तो यहां पे अनवर अली, अगर दोनों लेफ्ट हैंडर है तो अनवर अली का बॉल शेप करता है। आप समझते हैं कि आपकी, सॉरी मैं बात काट रहा हूं, ये मुझे बताइए कि आपको लग रहा था कि अफरीदी सोच रहे थे कि 20 ओवर तक बात जाएगी या नहीं? बिल्कुल सोच रहे होंगे। तो मैं ये करता कि इरफान के ओवर रोक के दो ओवर अगर करता है अनवर अली, क्योंकि शेप बनती है उसकी बाहर की तरफ, दो ओवर में जब स्टार्ट में वो इतना चार्ज नहीं करते क्योंकि एक एंड से आमिर लगा हुआ था, और अगर यहाँ से स्विंग हो रही दो ओवर यहाँ से बच जाते तो आपको और ज्यादा एडवांटेज हमें मिलता, क्योंकि हमें लास्ट टू ओवर हमें कॉस्ट कर गए ना। मैं तो लास्ट थ्री बोलूँ क्योंकि आमिर का नहीं बनता था वहाँ पे ओवर, आमिर का ओवर वहाँ पे नहीं बनता, लेकिन अब रिजल्ट लग गया इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन मेरा तजिया यही है कि शुरू के 10 ओवर में हम मैच हार चुके थे, क्योंकि जो इस स्पीड से खेले नहीं, स्पीड से रन ही नहीं बने आपसे, आपसे आप चल ही नहीं सके, मिडिल होनी नहीं थी बॉल आपकी, विकेट आपने दे दी 55-56 के करीब होता है 30 तो डॉट बॉल, 25 डॉट बॉल तो हर टीम खेलती है, ऐसा नहीं डबल खेल गया ना सर, लेकिन हमने डबल खेली है। लेकिन उसका वजह क्या है कि शुरू में विकेट हमारी गिरी, हफीज का थोड़ा सा आप कह सकते हैं, एम्पायरिंग पे भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि एक डिसीजन ऐसा था जहां पे शायद अफरीदी ने बिल्कुल आउट लगा, उसने रिवर्स स्वीप, अच्छा वो जो उसके पैर पे लगा बैट वो, फिर मोहम्मद आमिर दूसरे एंड से आया और उसने उसको आउट कर दिया। अगर वो बैक टू बैक गिरते तो ज्यादा एडवांटेज होता, लेकिन फिर भी उसको रिकवर कर गया शोएब मलिक, उसने वहां पे आके आउट किया, वो गलत आउट दिया, आपको एंड में चांसेस भी मिले, एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत खराब, लेकिन उसको हम साइड पे कर देते एम्पायरिंग को। लेकिन बार बार अगर यही बात आती है तो हम लोग शुरू के 10 ओवर में मैच हार गए। ठीक सही, ये बताइए दो चीजें, एक तो ये बताएं टॉस कितनी इम्पोर्टेंट थी इसमें, टॉस हमेशा वहां से शुरू कर, देखिए टॉस हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे फ्लैट विकेट हो और या चाहे ग्रीन ट्रैक हो, ठीक, चाहे ग्रीन ट्रैक हो, टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से ये बिलीव रखता हूँ कि टॉस आप खुद अगर आपके हाथ में हो तो हमेशा जीतो और खुद सारे फैसले करो, रादर देन आप किसी को कहो कि आप फैसले करो, आपने प्लान बनाए हुए, आपकी टीम की स्ट्रेटेजी है, आपके अगर हाथ में टॉस का वो मलका है और आप टॉस जीत रहे हो तो आप सारे फैसले खुद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर पिच के ऊपर। और ऑब्वियसली फिर आपको पता चल जाता है, आप जब टॉस जीत जाते हैं आपको पता चल जाता है कि आपकी कोई जो भी स्ट्रेंथ है आप उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करते हो। मैं ये कहा कि राशिद भाई ने जो बात की, मैं एक सिंपल सी मिसाल है, मेरे पाँव में दर्द हो और डॉक्टर या जो भी है वो मेरे सर पर पट्टी बांध दे, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो भाई मेरे पाँव में दर्द है तू मेरे सर पर करा कर रहा है, वो मेरा इधर तो जो है ना वो टूटा हुआ है तो मेरे सर का इलाज कर रहा है। देखें ये इसी तरह हो रहा है, हम लोगों को ये बड़े अरसे से मसला चल रहा है कि हमारा टॉप ऑर्डर का इशू चल रहा है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। टॉप ऑर्डर अगर चल जाए, देखो रन्स होते हैं बोर्ड के ऊपर तो बॉलर का इतना बड़ा दिल होता है, अगर रन्स बोर्ड के ऊपर नहीं होते तो बॉलर भी बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, बल्कि वो रिस्क लेता ही नहीं है। अच्छा अब जो मेन आपका बॉलर होता है ना जिसके ऊपर आपने पूरा मैच ही रखा होता है, पूरी दुनिया की नजर होती है, जैसे हमने आमिर पे रखा, आमिर पे रखा होता है, वो क्या करता है फिर, वो कहता है मैंने इस एंड का भी काम करना और उस एंड का भी काम करना है, वो मुश्किल हो जाता है, वो उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि उसने इधर का भी लोड लेना उधर का भी लोड लेना है, फिर उसके पास ओवर भी चार है, फिर कप्तान के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इसको कब करना है, फिर उसमें कैलकुलेशन जो है ना वो गलत हो जाती है। फिर आपने एक बॉलर को, चाहे डोमेस्टिक है, आपने देखना है कि क्या इस डोमेस्टिक में PSL हुई या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें क्या कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो आखिर वाला फ्लेवर टेस्ट कर चुके हैं, अगर कोई नहीं कर रहा आप उसको बीच में झोंक देते हो ये भी गलत हो जाएगा, रिजल्ट यही होता है ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यानी जो आपके वीक लिंक्स हैं, चाहे बैटिंग में टॉप ऑर्डर है चाहे बॉलिंग के अंदर, जहां जहां पे जो जो बॉलर्स हैं आप उसको रखें, या तो फिर ये है कि आप सबको कहें कि भाई आप हर जगह पे जाके, जैसे मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में कहा कि ये पाकिस्तान है यहाँ पे लाइन में कोई भी नहीं लगेगा, मेरी रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर्स को जो बॉलर्स हैं, स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं,
भाई अगर आपने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी है तो आप हर किस्म का फ्लेवर लो, ये नहीं कि मैं ओपनर हूं और मैं सिर्फ नया ही गेंद खेलूंगा, पुराना गेंद भी खेलो, बीच में भी जाओ, एंड में भी जाओ, अगर फास्ट बॉलर है वो भी यही कुछ करे और स्पिनर है ये भी कुछ करे, फिर जाके आपको ऐसी कंच सिचुएशन में प्रेशर सिचुएशन में आपने फ्लेवर लिया होगा तो आपको अपने नर्व को समझ में आएगी करना कंट्रोल कर पाओगे। और कप्तान को भी यही चाहिए कि कप्तान भी जो है वो हर किस्म की सिचुएशन में होके जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। बहरहाल बांग्लादेश जिस तरह क्रिकेट खेली है थ्रू आउट टॉस होने तक, टॉस होने से मैच के खत्म होने तक, उन सब की स्पेशली कप्तान की मैं दाद दूंगा, हैट्स ऑफ फॉर हिम यार, वो बल्ला पकड़ के खुद अंदर आ गया, ऊपर आ गया, हाँ बल्ला पकड़ के वो खुद अंदर आ गया और मैच बना दिया उसका, क्या सोच होगी या क्या बिलीफ होगा, क्या जज्बा होगा कि वो आया और बॉलिंग कौन कर रहा है जी हमारा, यानी बेस्ट बॉलर आमिर, और उसने आगे सामने चौका दिया, अगला तो खैर उसने बड़ी अच्छी बॉल पे जान बचाने की अगली उसने कोशिश की, बहरहाल उसको पता है आमिर बॉलिंग कर रहा है और वो खुद आ गया, यानी बेस्ट बॉलर दुनिया का उसको कह सकते हैं बेस्ट बॉलर, वो बल्ला उठा के अंदर आ गया, उसका जज्बा देखें आप कि वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते हुए उसने रत्ती बराबर भी नहीं सोचा और वो कह रहा है कि नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं जाऊंगा, तकरीबन सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हैट्स ऑफ फॉर हिम। ठीक है, अच्छा जैसे मुझे आप ये बताइएगा कि दो चीजें भी देखेंगे, एक तो कैप्टनसी फ्रॉम आवर साइड, हम इंडिया से हम हार गए 80-83 रन बनाए और ऑल आउट, 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए, बहुत ही अच्छे पहले 4-5 ओवर थे, टाइट था मैच, फंसा, लेकिन ऑब्वियसली कोहली खड़े हो गए, साथ में उनके युवराज खड़े हो गए, मैच निकाल के साइड पे कर दिया, बेशक बाद में दो विकेटें गिर गई जो भी हुआ, लेकिन 5 विकेटों से हम वो मैच हारे। हमने लर्न क्या नहीं किया यहां पर इस मैच में, वी टुक इट टू लाइटली, गया बांग्लादेश का खैर है कोई मसला नहीं। देखिए लर्न अगर आप देखें तो आप मैच हुआ जैसे कहा हार गए वो तो पास था, हर मैच में बदलाव क्या हुए हैं क्या क्या, बिल्कुल आपकी टीम में जो चेंजेस हुए हैं कभी बैटिंग में तो नहीं हुए, प्रॉब्लम आपकी बैटिंग है, सकी भाई ने बड़ी अच्छी तरह से वो जो दिया है कि आपकी प्रॉब्लम टोप है, पट्टियां आप सर पे ही बांधते रहे तो पूरे पूरे दौर पे भी आपने वही करते रहे क्योंकि बैटिंग तो आपकी चेंज नहीं हुई, आपने तो सिर्फ गोलमोल करते रहे, वही बैट्समैन ही नहीं, मैं नहीं कह रहा कि चेंज करने चाहिए क्योंकि देखिए मैं तो हफ्ते भर पहले आया हूं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता किसकी फॉर्म कैसी चल रही है, बट जैसे आपने पूछा कि आपने क्या लर्न किया, मैंने बैठ के यहाँ सर इस टूर्नामेंट में जो चल रहा है ना यही फॉर्म चल रही है आप समझ, मैं वही कह रहा हूँ, तो मैंने बैठ के क्या लर्न किया कि आपकी बैटिंग नहीं चली, जैसे आपने कहा वहां पे भी 80 पे आउट हो गए थे, यहाँ पे भी बैटिंग नहीं चली, इस मैच से पहले चेंजेस क्या किए आपने नंबर 7 और 8 वाले पे, वहाब रियाज को निकाल के अनवर को डाल, नहीं एक बार में पहले वहाब रियाज को निकाला आपने, लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया वो भी 8 नंबर खेले, उनको निकाला आप अली को लेके आया वो भी 8 नंबर खेले, तो आपने अपनी बैटिंग की तरफ तो नजर नहीं डाली, इसमें तो सोचा ही नहीं बिल्कुल, तो या तो ये बेस्ट हैं और अगर ये बेस्ट हैं तो मैं यू नो इस कंडीशंस में मुश्किल है, और उसकी हमने सवेरे बात की थी हमारे शो में, हम जब बात कर रहे थे तो यही बात थी कि मैंने कहा कि आपने जो पीएसएल में देख के सिलेक्शन तो आप मैचेस देख के ही करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बॉलिंग का कहा कि कोई एंड में बॉलिंग कर रहा है कि नहीं आपने वो देखा कि नहीं, उसी तरह बैटिंग में मैंने देखा कि बैटिंग सिर्फ आगे वाले हैं पीछे वाले हैं, सब एक ही तरह के ही खिलाड़ी आपने रखे हुए थे, अच्छा अनसक्सेसफुल हो गए हैं आप हार गए हैं तो अभी इस वक्त हम क्रिटिकल और कोई भी क्रिटिकल ही हो सकता है क्योंकि अच्छा कुछ देखने को मिला नहीं तो आप क्या, हमारा यहाँ पे एक और मसला भी ना, 3 मैचेस का अगर एक सीरीज खेल रहे हैं, 2 में स्कोर नहीं किया तीसरे में हटा दिया या 3ों में खिला दिया 1 में उसने स्कोर कर दिया था, हमने मलिक को देखा कितने और ऐसे बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट जो ब्रेक का टाइम हो जा रहा है यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात छोड़ के जाऊंगा और फिर मैं आपसे उस पर बात स्टार्ट करूंगा कि आप ही समझते कि शफलिंग थोड़े से एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत है कि मलिक को थोड़ा ऊपर खिलाएं, फॉर्म है रन दे रहा है आपको, आज भी उसने स्कोर किया, वो खड़ा भी हो सकता है विकेट पे, उसके पास प्लेसिंग का उसको सिंगल्स ले सकता है, मतलब इज अ टेक्निकली कंपैरेटिवली अ बेटर प्लेयर एज कंपेयर टू आई वुड से शर्जील और इवन खुर्रम मंसूर, शर्जील का भी देखिए खड़े रहता है, फुटवर्क है नहीं, बड़े मसाइल हैं, डोंट यू थिंक, और शुरू के मैं 4-5 जो हमने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बन सके, सो मैं इस पर डिटेल एक आंसर लूंगा आपसे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी, कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन।